सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, या तुलसी की परिक्रमा करो, या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है। हमारा जितने हर हर महादेव दोस्तों 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस दिन किया गया दान पुण्य सबसे ज़्यादा फलित होता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या सबसे प्रबल अमावस्या है, या शनिवारी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन किया गया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है जो हमारे पितरों की तीन गतियों को शांत करता है। अचानक किसी की मृत्यु हो गई हो, या जो बेटा बेटी गर्भ में ही शांत हो गए हों, तो सोमवती अमावस्या के दिन जो महिलाएं वृक्ष की परिक्रमा करती है, दान पुण्य करती हैं, तो ये तीनों को तर जाते हैं, ये तीनों को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। सोमवती अमावस्या बहुत ही फलित करने वाली है, क्योंकि यह इस बार सावन में पड़ रही है, और सावन में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी जाती है इस अमावस्या का। कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत पितर वासुक, जहाँ पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है, या तुलसी की परिक्रमा करती है, या पूजन करती है, या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा बढ़ने का। कितना सुंदर कहा है, पितृदोष काय से समाप्त होता है? तो स्कंद पुराण में लिखा, घर का एक लोटा पानी भरो, एक कलश में जल भरो, अपने घर में घूमो और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो पानी जलाधारी से जाएगा। जलाधारी क्या है? माता जी का हस्त कमल, पार्वती जी का हस्त कमल। तो ये संपूर्ण, जब शिव परिवार वहीं पर है तो तुम जब पानी चढ़ाओगे तो वो पार्वती को लगेगा, और पार्वती इतनी खुश होती है कि पितृलोक में अपने पितरों को कहती, अपने पिताजी को कहती है, पिताजी इसके घर का जल मेरे पास में आया है, इसके पितरों को दे देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर पर एक लोटा अगर पानी आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पानी स्वयं पार्वती जी अपने पितृलोक में भेज देती। अमावस्या पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो पड़ने वाली सोमती अमावस्या को मत छोड़ना, निवेदन है। एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए, पीला चंदन घोल कर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए, काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए, जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की